हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे यप ब्लॉक के। तो यप ब्लॉक के तत्व में आवास सारणी में इनकी स्थित क्या है। तो आवास सारणी में यप ब्लॉक के तत्वों की स्थित यानी यप ब्लॉक एलिमेंट में, तो यप ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 के यप ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं यप ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 के यप ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं यप ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनके y फोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-2 यप 1 से यप 14 n-1 d0 से d1 कामा n-2 होगा। यानी जो इसमें तत्व है तो यस से जो यस ऑर्बिटल है इसकी जो क्वांटम संख्या होगी उससे कम डीजी होगी, एक कम। और ये क्या है n-2 क्यों है, क्योंकि यस ऑर्बिटल से यस ऑर्बिटल की अपेक्षा दो क्वांटम संख्या यप ऑर्बिटल की होगी। तो क्या है यप ब्लॉक एलिमेंट, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 के यप ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं यप ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें y फोर्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d0 से d1 n-2 होता है। इन्हें आवास सारणी में कहां रखा गया है, नीचे रखा गया है, जिनको कहते हैं लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। इनको कहां रखा गया, ये आवास सारणी वाली हमारी है, ये हमारी क्या है आवास सारणी। आवास सारणी तो सभी लोग देखे हैं। तो ये मुख्यतः निकलते कहां से, आप क्या है आवास सार्थक है 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए क्या है 7 है। थोड़ा पास चलेंगे उसके बाद पढ़ते हैं। तो क्या है 7 है, तो आवर्त 6 में आवर्त जो 6 है तो ये यहाँ का तत्व है। आवर्त 6 में जो यले 57 है लिथियम 57 के आगे 14 तत्वों को कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है, जिनको कहते हैं लैंथेनाइड तत्व। और आवर्त 7 में एक्टिनियम 89 के आगे जो 14 तत्व है उनको नीचे रखा गया है, जिसको कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। तो क्या है, इन्हें आवर्त सारणी में नीचे रखा गया, इन्हें लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। तो जो यले 57 के आगे जो 14 तत्व है, यले 57 के आगे 14 तत्व को नीचे रखा गया है, और फिर परमा फिर यहां और एक्टिनियम 89 के आगे 14 तत्वों को नीचे रखा गया, इन्हें एक्टिनियम तत्व कहते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद परमा फिर यही सब कहते हैं। यप ब्लॉक के तत्वों की स्थिति में क्या आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो हम शुरुआत करते हैं लैंथेनाइड तत्वों के सामान्य, क्योंकि यप ब्लॉक में कौन है, लैंथेनाइड है और एक्टिनाइड है। इस साल कोरोना वायरस के संबंध में जो एक्टिनाइड तुम्हारा सिलेबस में नहीं बचा है, तो एक्टिनाइड के तत्वों के और क्या है लैंथेनाइड। तो सबसे पहले क्या आते हैं, लैंथेनाइड तत्वों के सामान्य। तो नंबर एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनके y फोर्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 f1 से f14 कामा 5 d0 से d1 कामा 6 s1 से s2। यानी क्या है, तो क्या है जो है सीरियम है, तो 4 f1 5 d1 6 s2 प्रोसियो डायनियम है, तो 4 f3 5 d0 और 6 s2 16 यंदी जिसको कहते हैं नियोडाइमियम 4 f4 5 f0 6 s2 प्रोमेथियम 4 f5 5 d0 6 s2 सर्मियम सम रियम 4 f6 5 d0 6 s2 यूरोपियम तो 4 f7 5 d0 6 s2 गेटोलोनियम क्या है जीडी
जेडोलोनियम 4F7 5D1 6S2 टर्बियम टीबी 4F9 5D0 6S2 डिसप्रोसियम डीवाई को कहते हैं डिसप्रोसियम 4F10 5D0 6S2 ये जो हल्नियम 4F11 5D0 6S2 ER अर्बियम को कहते हैं 4F11 5D0 6S2 थुलियम टीएम को कहते हैं थुलियम 4F30 5D0 6S2 या 4F13 5D0 6S2 YB को क्या कहते हैं वाटर बियम तो 4F12 5D0 6S2 लुटियम 4F14 क्या है 4F14 है 4F14 5D0 6S2 लुटियम 4F14 5D1 और 6S2 और राइट अब ही नया बना हम क्या है लेंथेनॉइड के सबसे पहले शुरुआत करते हैं यप्ला के तत्वों की स्थिति में क्या आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तो हम शुरुआत करते हैं लेंथेनॉइड तत्वों के सामान्य क्योंकि यप्ला में कौन है लेंथेनॉइड है और एक्टिनॉइड है इस साल कोरोना वायरस के संबंध में जो एक्टिनॉइड तुम्हारा सिलेबस में नहीं बचा है तो एक्टिनॉइड के तत्वों के और क्या है लेंथेनॉइड तो सबसे पहले क्या आते हैं लेंथेनॉइड तत्वों के सामान्य तो नंबर एक आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इनके वायु कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F1 से F14 कामा 5D0 से D1 कामा 6S1 से F2 यानी क्या है तो क्या है जैसे सीरियम है तो 4F1 5D1 6S2 प्रोसियो डायमियम है तो 4F3 5D0 और 6F2 16 Nd जिसको कहते हैं नियोडाइमियम 4F4 5F0 6F2 प्रोमेथियम 4F5 5D0 6F2 सर्मियम समरियम 4F6 5D0 6F2 यूरोपियम तो 4F7 5D0 6F2 गेटोलोनियम क्या है जीडी गेटोलोनियम 4F7 5D1 6F2 टर्बियम टीबी 4F9 5D0 डिसप्रोसियम डीवाई को कहते हैं डिसप्रोसियम 4F10 5D0 6F2 ये जो हल्नियम 4F11 5D0 6F2 ER अर्बियम को कहते हैं 4F11 5D0 6F2 4F13 5D0 6F2 और क्या है वाइबी इसको कहते हैं मटरबियम 4F14 5D0 6F2 और येलो लूटिडियम 4F14 5D1 6F2 तो ये इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकनेस के बाद दूसरा रहता है तो क्या कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 होती है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है लेकिन ये +3 के अतिरिक्त +2 तथा +4 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रकट करते हैं सामान्य होते हैं +3 लेकिन इसके अलावा +2 तथा +4 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रकट करते हैं तो इसमें क्या लगता है इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है लेकिन ये तत्व +2
इसलिए ये प्रबल धनी होते हैं।